राजा गिद्ध व्लॉग पे आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ हाजिर हैं जनाब। आज के व्लॉग के मेरे दो पार्ट हैं जी। पहले पार्ट में मैं आज बताऊंगा कि दुनिया में कौन सी कौम जो है 12-15 ममालिक जो एक दिन में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। एक दिन में सोशल मीडिया, ठीक है, मतलब ये मोबाइल इस्तेमाल आप कह लें, सोशल मीडिया ज़्यादातर, तो कौन सी, ठीक है, 10-15 कौमें दुनिया की, वो कितने घंटे एक दिन में वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और जो दूसरा पार्ट जो कल मेरा इसी व्लॉग का हिस्सा होगा, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सोशल मीडिया ऐप दुनिया में देखी जाती हैं। तो कोशिश करूंगा 8-10 ऐप्स, ठीक है, सोशल मीडिया के हवाले से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, वो कल मेरा व्लॉग जो होगा 8 जून को, ठीक है, उसमें मैं बात करूँगा 8 जून 2023 को दिन 2 बजे। और आज के व्लॉग में मैं बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी कौमें कितने घंटे दिन में सोशल मीडिया ऐप वगैरह देखती हैं, ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कौम मोबाइल यूज़ करती है ना जी, वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो कौम है वो 4 घंटे 20 मिनट तकरीबन ये है कि सोशल मीडिया, ज़ाहिर बात इनके पास मोबाइल है, वो कम अज़ कम ये 4 घंटे 20 मिनट दिन में एक बंदा वो है सोशल मीडिया देखता है, यूज़ करता है। अच्छा जनाब, नाइजीरिया के बाद जनाब नंबर आता है ब्राज़ील का। ब्राज़ील की कौम भी दिन में जो उसके देख सोशल मीडिया जो लोग यूज़ कर सकते हैं, वो कम से कम 3 घंटे 44 मिनट मोबाइल यूज़ करते हैं सोशल मीडिया देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जनाब यूएई का नंबर आता है, यहाँ के शहरी जो हैं वो 3 घंटे और तकरीबन जनाब यह है कि 42 मिनट रोज़ाना सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, यूएई का तीसरा नंबर है। उसके बाद जनाब साउथ अफ्रीका का नंबर आता है, 3 घंटे 15 मिनट वहाँ के लोग जो है शहरी वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जो भी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लाइक की, टिकटॉक वगैरह जो भी है। उसके बाद जनाब आता है पुर्तगाल का नंबर, पुर्तगाल के शहरी 2 घंटे 50 मिनट सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं पुर्तगाल के शहरी, ठीक है। उसके बाद जनाब नंबर आता है तुर्की, तुर्की के जो शहरी हैं वो 2 घंटे और 44 मिनट सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। उसके बाद जनाब नंबर आता है इंडिया का, इंडिया के शहरी 2 घंटे और 44 मिनट ये सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब इंडिया के बाद नंबर आता है जी ऑस्ट्रेलिया का, 2 घंटे, ठीक है, जर्मनी का 1 घंटे 44 मिनट, ठीक है। उसके बाद जनाब जो जर्मनी के बाद जनाब नंबर आता है चाइना का, 2 घंटे और 1 मिनट, ठीक है। चाइना के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है हैरान कुन तौर पर, पाकिस्तानी जो शहरी हैं तकरीबन 2 घंटे जो लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल मुताबिक तो ज़्यादा ही है, भारत सर्वे वो उन्होंने एक औसत निकाली है तो 2 घंटे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब ये है कि पाकिस्तान के बाद जनाब ये आता है पाकिस्तान के हैं 2 घंटे 14 मिनट। उसके बाद जनाब आता है स्वीडन का, स्वीडन के शहरी 2 घंटे 8 मिनट, ठीक है। उसके बाद जनाब ये है कि स्वीडन के बाद अब यूएसए के 2 घंटे 6 मिनट। उसके बाद जनाब कैनेडा के शहरी जो 1 घंटे 59 मिनट, ठीक है। उसके बाद जनाब स्पेन के शहरी 1 घंटे 56 मिनट। उसके बाद डेनमार्क के शहरी तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट। उसके बाद जनाब यूके के शहरी 1 घंटा 50 मिनट, वो भी तकरीबन। उसके बाद जनाब जर्मनी के शहरी 1 घंटा 44 मिनट। उसके बाद जनाब नीदरलैंड के शहरी 1 घंटा 35 मिनट। और जनाब ऑस्ट्रिया के शहरी जो है नहीं, वो 1 घंटा 30 मिनट। अच्छा, इस लिस्ट में सबसे जो कम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं जो कौम है ना, ठीक है, वो है जापान और जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया के शहरी जो है वो 1 घंटा 11 मिनट, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा। और जापान के शहरी सिर्फ 49 मिनट सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था। इस व्लॉग का दूसरा हिस्सा, कौन सी सोशल मीडिया ऐप दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है और कितनी तादाद में, वो मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगा। आपने चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। अल्लाह आपका हामी नासर, अल्लाह हाफिज़।